बारिश आ रहा है, कैसे जाएगा? हैं? बारिश नहीं चलाएगा। बारिश में साइकिल चलाएगा ना, फिर भी साइकिल चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये खुद से ही साइकिल ले गया है, लिफ्ट में लाया है, खुद से ही चलाने के लिए जा रहा है। डॉगी सब तुम्हारे पीछे लग गया। आह आह आह, किधर चलाएगा? उधर सीधे ले गो, सीधे उधर। तो आज छुट्टी है और डुकू बोल रहा है, सुबह से बोल रहा था कि साइकिल चलाने के लिए जाएंगे। तो गोलू से मैं बोली तो गोलू अभी जो है अपना पढ़ाई कर रहा था, और अभी मैं ही लेके जाती हूँ डुकू को साइकिल चलाने के लिए। और मुझे ना आ रही है इसकी साइकिल, गिर गया है हवा की वजह से। और आज जो है मेरा मॉर्निंग में सारा काम हो गया है, मैंने नहा भी लिया है। और यहाँ भी इतना ज़्यादा हवा गिर जा रहा है। इधर करो। देखो बारिश भी आने लग गया, अब चलो तुम साइकिल लेके ऊपर। और मुझे अभी जो है सुबह का नाश्ता भी बनाना था, तो डुगू को मैं लेके आई तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि साइकिल के साथ जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे बारिश, अच्छा लग रहा है। कम हो गया भैया, चला गया, जाओ चलो पकड़ दे। क्या हुआ, कुछ चाहिए? क्या चाहिए? हाँ ऊपर करो, तो अभी सुबह ले लिए हैं थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, क्योंकि अभी टाइम लगेगा नाश्ता बनाने में, तो बच्चों को लग जाएगी भूख। तो मैंने कुछ ले लिया है, बिस्किट वगैरह, टोस्ट, यही सब। और अभी डुगू भी चला गया, गोलू भी चला गया, तो चलिए मैं अभी जाती हूँ घर। तो अभी यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ी देर बाद में मिल रही हूँ, तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना बनाने के लिए अभी यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था, तो इस बोतल को जो है मैं धो के रखी थी थोड़ी देर पहले ही, तो अभी इसमें जो है पानी अभी निकाल देती हूँ। तो थोड़ा मैं क्या करती हूँ, आधा बोतल इसमें निकाल के और फिर इस बोतल को जो है पलट देती हूँ, नहीं तो पूरा बोतल जो है भारी होता है, नहीं पलट पाती हूँ अकेले। तो यहाँ पे ये देखिए इस बोतल में अभी मैं पानी लगा दी हूँ, और खाली बोतल है एक दो, तो उसमें भी अभी मैं पानी जो है भरना है मुझे, तो थोड़ी देर बाद भरूँगी। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे चावल मैंने बिठा दिया है, तो चावल बनाने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके बाद जो है अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं परवल थे थोड़े से, तो परवल को भून रही हूँ बड़े बड़े टुकड़ों में काट के। और यहाँ पे आलू, ये छोटे छोटे आलू थे, तो जितने भी छोटे छोटे आलू थे ना, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसको पूरा अच्छी तरह से मैंने बॉईल नहीं किया है, थोड़ा सा कमी बॉईल किया है, मतलब 100 में से 80% के करीब मैंने बॉईल किया है, 20% के करीब जो है मैंने बॉईल नहीं किया इसको। तो यहाँ पे इसके छिलके भी मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए, तो दम आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, आलू दम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैं इसके छिलके निकाल के इसको कांटा वाला चम्मच से मैंने थोड़ा सा जो है इसमें
वो कर लिया है, उसमें उससे क्या होगा ना, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी मतलब नमक अच्छी तरह से उसमें उसके अंदर तक चला जाए, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने काटा वाला चम्मच से जो है वो कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने तेल लिया है और इस तेल में थोड़ा सा मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करने से ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे ये देखिए ये मैंने सूखे मसाले लिए हैं, जितना सूखे मसाले थे रेगुलर के जो सूखे मसाले होते हैं उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको जो है घोल बना लेती हूँ, ताकि एक एक करके डालती हूँ ना तो फिर थोड़ा सा मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे करके सही रहता है। तो मैंने कटोरी में निकाल के सारे मसाले डाल के, और ये देखिए आलू भी मेरे थोड़े थोड़े जो है फ्राई हो गए थे हल्के ब्राउन कलर के। और इसके बाद जो है सेम तेल में मैं इसमें थोड़ा सा और तेल डालती हूँ, और उसके बाद जो है इसमें मसाला मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले में मैंने यहाँ पे ये देखिए इसमें थोड़ा सा और तेल लिया था, ज़्यादा नहीं है, तो हींग जीरा मैं डाल देती हूँ, और हींग जीरा जैसे चटक जाए इसमें एक कटा हुआ प्याज और दो मिर्ची हरी मिर्ची, तो ये सब मैंने डाल दिया है। और इसको भी थोड़ी देर भुनने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ इसमें लहसुन अदरक और दो टमाटर, छोटा टमाटर मैंने लिया था, तो ग्रेवी वाला मुझे बनाना है तो इसी वजह से मैंने टमाटर भी डाला हुआ है। और इसमें डाल देती हूँ मसाले और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और इस मसाले को करीब जो है 5 मिनट तक मैं पका लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है दम आलू की सब्ज़ी, मतलब कुछ सब्ज़ी अगर आपके पास नहीं हो ना तो आप दम आलू की सब्ज़ी बनाइए, इसके साथ रोटी पराठे चावल जैसे भी आप जिस जो भी खाना चाहते हो वो खा सकते हो। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून गए थे, मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया था तो उसको भी डाल के मैं भून लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए सारे आलू को जो है मैं डाल देती हूँ। तो आप सूखी वाली दम आलू की भी सब्ज़ी बना सकते हो, नहीं तो आप ग्रेवी वाला भी बना सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसा बना सकते हो। तो मैं अभी चावल के साथ हम लोग खाएंगे तो मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा और जो है मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और पानी डाल के जो है इसको 5 मिनट के करीब जो है मैं पकने दूंगी, क्योंकि आलू जो है हमारा अच्छी तरह से मतलब पक ही गया था, फिर भी और अच्छी तरह से जो है पक जाएगा। तो इसमें मैं नमक वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और अभी यहाँ पर बारिश आ रहा था तो बाहर, तो उसको मैंने अभी जो है खिड़की बंद कर दिया है। और कोई कोई बोलते हैं ना कि आपको बोलने के लिए नहीं आता है, तो ऐसा ना कभी कभी होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि अगर आप एक ही साथ एक ही स्पीड में बोलते हो ना तो कहीं कहीं आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके साथ भी मतलब गड़बड़ हो जाता होगा। तो मेरा भी ऐसे ही होता है, अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना 10-12 मिनट का वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ तो बोलते बोलते ना कहीं जो है कहाँ क्या बोलते हैं ना समझ में नहीं आता, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो वो बोल रहे थे आपको बोलना नहीं आता बोलने का ढंग नहीं है, पहले बोलने के लिए सीखो। तो कोई नहीं, सीख जाऊँगी धीरे धीरे जो है। और उसके बाद अभी मैं बात करते करते कहाँ से कहाँ मेरी वीडियो जो है चली गई, तो मेरा खाना बन गया था, बच्चों को मैंने खाना दे दिया था, खाना खा भी लिए थे और अभी मैं भी खा ली थी। और यहाँ पे ये देखिए खाना खाने के बाद अभी मैं अपने यहाँ पे जो एरिया में हम लोग बैठ के खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे जो है पोछा लगा देती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद अभी ये थोड़ा सा घर वगैरह ठीक करना रहता है और बर्तन भी मुझे साफ़ करना है, उसके बाद काम वगैरह होता है दोपहर का वो मेरा ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये देखिए डुगू का जो है दांत टूट गया है, देखा? हाँ यहाँ पे भी रखा है, इसको दूध घास होता है ना दूध घास, अभी वहाँ पे जाके जो है उस हम लोग करते हैं उसके नीचे। और ये देखिए दांत टूट गया आगे का, और ये दांत टूटने वाला है। हाँ एक ठो और जो है इसका दांत टूटने वाला है। और ये सवाल रात को तक तोते हैं ना, तो इसको तकिया के नीचे रख के ना भीख मांगने है ना कि ना हमको नया दांत दे दो, फिर ना आगे ना करना। नहीं नहीं तकिया के नीचे नहीं रखा जाता है, दूध घास होता है ना उसके अंदर छुपाया जाता है, उसको बोलते हैं कि चूहा पुराना दांत लीजिए और नया दांत दीजिए, ऐसे बोलना है ठीक है। चलो नीचे ले जाते हैं, तो अभी इसका दांत है यहाँ पे ये रहा, चलो हम ले जाते हैं। हाथ में देखो दिखा दो। नहीं नहीं हम ले जाते हैं, क्या दिखाना है, दांत है छोटा सा दांत दिखा रहा है अपना।
रुको हम भी जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो है मैंने इवनिंग का भी झाड़ू वगैरह घर में लगा लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे ये कंघी थे, जितने भी ये कॉम सब थे ना, ये सारे जो है मैं अभी पानी में भिगोने के लिए रख दी थी। तो उन सबको जो है अभी मैं थोड़ा सा, मैंने बाल्टी में सरफ डाला है और सरफ के पानी से थोड़ा सा जो है इस तरीके से बरस मार देती हूँ, तो सारे जो है कॉम्स वगैरह सारा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए सारे ये सब मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे डुगू ना आप लोगों से बात कर रहा था, अपना दाँत दिखा रहा था, तो इसके दोनों दाँत जो है एक पहले टूटा एक बाद में टूटा, फिर दोनों दांत जो है इसका बेचारा का टूट गया, तो वही अभी दिखा रहा था। और इसका अभी तबीयत भी ख़राब था, मतलब सर्दी जुखाम खांसी, इसी वजह से आज ये ट्यूशन भी नहीं गया था। और मतलब बच्चों को थोड़ा सा कुछ होता है ना तो मन नहीं लगता है, हम बड़ों का भी, तो वही हो रहा था मेरे साथ। तो अभी इसकी बातें अभी मैंने कुछ कट कर दिए थे और कुछ इसके बातें जो है थे। और यहाँ पर ये देखिए मैं कपड़े धोई थी सुबह में, तो थोड़ा बारिश आ रहा था, थोड़ा मतलब बारिश इस रूम में अभी मैं पूरा फैला दी थी और पंखा चला दी थी, बारिश आ रहा था, कभी कभी धूप निकल रहा था, तो सूख गए थे ड्राई में मशीन में करके। और अभी थोड़ा देर सूखा, उसके बाद मैं घर में रख दी थी तो अच्छी तरह से सूख गए थे। और बैग वगैरह भी मैंने सारे कुछ धो दिए थे, बच्चों के जितने भी बैग थे वो सारे मैंने धो दिए थे। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा है, दियावती का टाइम नहीं हुआ था, तो अभी मैं शाम का अपने लिए चाय बनाई थी, तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।